Hi guys, my name is Rudy. I'm here again with a new YouTube video. So, topic देखकर आप सबको पता चल ही चुका होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। मुझे सब पता होता यार। So, आज हम करने वाले हैं पेंटिंग ओनली ऑन ब्लैक पेपर वेदर ट्विस्ट। यूजिंग ओनली व्हाइट कलर्स। So, finally, हमने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। पेंटिंग? इसे पेंटिंग कहते हैं? I don't know, but अभी के लिए तो हम पेंटिंग ही कहेंगे, ओके? So, मैंने ले लिया एक ब्लैक शीट, उसके ऊपर मैं एक रफ स्केच बना रही हूँ। अगर आप गेस कर पा रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। कोई चीटिंग मत करना। हाँ यार, चीटिंग तो मत करना कोई। वैसे एग्जाम में कभी चीटिंग की है? नहीं यार, चीटिंग करना बुरी बात है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अरे आज मैंने तुझे पर्ची निकालते हुए और बाजू वाले के पेपर में झांकते हुए देखा था। हाँ, बोल देना चीटिंग किया। छूट क्यों बोल रहा है? हाँ, बस किया मैंने चीटिंग। तो फिर सच बोलना यार, मैं कहाँ किसी को बताने वाली। ओके, अब से मैं तुम्हारे साथ सच ही बोलूंगा। ओके, तो अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम क्या बना रहे हैं। अगर अभी भी पता नहीं चला तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे यार, मजाक कर रही हूं। ओ, गेस व्हाट, हम बना रहे हैं। हाँ यार, पता नहीं कभी देखा तो नहीं है, बट मेरा मन किया कि क्यों ना मैं आज बना लूँ, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत ही मन करता था कि मैं भी ज़ीब्रा देखूँ, बट इंडिया में वो कहीं नहीं है शायद। अगर कहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे देखना है। क्या बोला, जरा फिर से बोलियो। अरे कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी बार मत बोलना। So, पहले हमने बनाया था एक रफ स्केच, उसके बाद उसे इरेजर की मदद से लाइट लाइट रफ कर दिया ताकि जो पेंसिल के मार्क्स है वो ना दिखे जब हम व्हाइट कलर करें। अब मैं यूज कर रही हूँ पेंसिल व्हाइट कलर, जिसकी मदद से हम पूरी पेंटिंग की बॉर्डर बनाएंगे। हाँ यार, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं या नहीं, बट मैं तो इसे पेंटिंग ही करूंगी। बाय द वे, मैं आपको एक बात पूछना तो भूल ही गई, क्या आपने कभी ज़ेब्रा देखा है? अगर देखा है तो कब और कहाँ देखा है, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। अरे यार, अभी से जल्दी खत्म करो ना, मैं पक चुका हूँ। ठीक है। So, finally, हमने बॉर्डर्स डन कर ली है, आप देख सकते हो। क्या? ये मैंने ज़ेब्रा की बॉर्डर तो पा ली है। अरे हाँ यार, सॉरी, मैं अभी कर देती हूँ। ये लड़की लीना हमेशा गलती करती है। अरे यार, हो गई गलती, सॉरी, अगली बार से नहीं करूँगी, पक्का। हर बार यही करती है। एनीवेज, जल्दी से पेंटिंग खत्म कर। ओके, सो फाइनली हमारी बॉर्डर्स रेडी हैं। So, अब यहाँ पर मैं व्हाइट कलर का ऑयल पेस्टल यूज कर रही हूँ एंड जितनी भी जो स्ट्रिप्स के बाहर की जो जगह है ना, उन सबको मैं व्हाइट कलर से कलर कर लूंगी। अरे हाँ, तुझसे एक बात पूछनी थी, तूने कभी ज़ेब्रा देखा है? हाँ यार, मैं तो हर रोज ही देखता हूँ, तूने कभी नहीं देखा क्या? नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा, बट वैसे तू कहाँ देखता है हर रोज? अरे यार, उसे ज़ेब्रा नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलता है। ओके, सॉरी। अरे यार, इतनी देर लगा रही हो, थोड़ा जल्दी करो ना, मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना है। तू स्कूल का होमवर्क करता भी है? अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ तुम जल्दी करो इसलिए बोल रहा था। So,
फाइनली वाइट कलर डन हो चुका है। अब हम यूज करेंगे ब्लैक ऑयल पेस्टल, जिसकी मदद से जितनी भी स्ट्रिप्स में वाइट कलर नहीं है उसके अंदर हम ब्लैक कलर करेंगे। एंड मेक श्योर जो उसकी बॉर्डर्स है उसे आप अच्छे से बना लो। yes, करना। अरे बोला तो सही, जितनी भी जगह उसमें सब में करना। okay. उसके बीच में ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, अभी मैं दिखाती हूँ, देखो ये वाली, इसमें भी आपको ब्लैक कलर करना है। बेसिकली ये ज़ेब्रा की नेक है। अब हम ऊपर का जो ईयर है उसमें थोड़ी शेडिंग करेंगे। अब उसमें क्यों करना है? तुमने तो बोला था सिर्फ उसमें करना है जिसमें की वाइट कलर नहीं है। इसमें तो वाइट कलर भी है, तो फिर क्यों कर रहे हो? अरे यार, अगर होगा तो अच्छा लगेगा ना। ओके, इस बार कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम से झूठ मत बोलना। यहाँ पर मैंने पेंसिल कलर की मदद से आई बना ली है। सो एक ज़ेब्रा रेडी है। अब हम बनाएंगे दूसरा ज़ेब्रा सेम प्रोसेस से। पहले हमने जैसे किया था सिमिलरली उसी तरह जितने भी जो स्ट्रिप्स के बीच में जगह है उसमें हम वाइट कलर फिलअप करेंगे। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, अभी मैं कर लेता हूँ जल्दी से। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? अरे इट्स ओके, उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एंडिंग में एक इजी पेंटिंग बना दूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दीदी। इट्स ओके। सो फाइनली जितने भी जो स्ट्रिप्स थी उसमें वाइट कलर हो चुका है। अब हम वाइट कलर की मदद से उसके हेयर्स बनाएंगे। अरे नहीं यार, वो उल्टा घुमा हुआ है, इसलिए हमने उसमें नहीं बनाए थे। ये सीधा है इसलिए हम इसमें बनाएंगे। okay. अब मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर, और जैसे हमने पहले किया था जितनी भी जो स्ट्रिप्स है या फिर जितनी भी जो खाली जगह है उसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। ओके ओके, ऐसा करती हूँ, चलो। ओके डन। अब हम ब्लैक कलर की मदद से हेयर्स बनाएंगे। जब उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स है तो उसके हेयर्स में भी तो होंगे ना। अच्छा हाँ यार, वो भी है। हाँ, इसे हर बात समझानी पड़ती है यार, क्या करूँ। हमारी पेंटिंग सारी है। सो अब हम दूसरी पेंटिंग बनाएंगे जो कि थोड़ी सी इजी होगी। इसमें मैंने बनाया है एक रफ स्केच जिसमें मैंने दो कैट्स बनाई है। मैं ये पेंटिंग सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। हाँ यार, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ये मेरे लिए इतनी मेहनत कर दी है। ओके। अरे वाह, इन लोगों ने कर भी दिया, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। हाँ यार। सो यहाँ पर भी मैं सेम पहले की ही मेथड यूज कर रही हूँ, व्हाइट कलर के क्रेयॉन से पूरी ही बॉर्डर पे बॉर्डर कर दूंगी। क्योंकि हमें थोड़ी सी मोटी बॉर्डर चाहिए। अब पेंसिल कलर से इनके हेयर बनाएंगे। लेकिन ये अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वाटर कलर, जिससे कि हमारा पिगमेंट जो है वो अच्छा आएगा। अरे यार, वो मोटा होता है ना, तो फिर उसके जो हेयर है वो मोटे बन जाएंगे, लेकिन वो पतले होता है, इसलिए समझ गए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं ईयर्स में थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर का ऑयल पेस्टल, एंड बीच में जितने भी जो जगह बची है उसमें हम करेंगे ब्लैक कलर। इसे अब मैं थोड़ा सा फिंगर टिप्स की मदद से स्प्रेड कर लूंगी। नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम फिंगर टिप्स की मदद से इसे स्प्रेड करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ हो जाएगा। ओके ओके। सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। अरे ये क्या कर दिया तुमने? इट्स ओके, इसके ऊपर हम फिर से व्हाइट कलर कर देंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
सोचा करो थोड़ा। ये लो, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे हेयर्स बनाना भूल गई थी, तो अब मैं बना रही हूँ। ये बुलक्कर लड़की कब से ही काम करेगी? बस ना यार, भूल जाती हूँ, मुझे कितने काम होते हैं पता है? हाँ, तू तो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है ना। हाँ यार। ओके, सो फाइनली हमारी पेंटिंग। फाइनली हमारी पेंटिंग बन गई। आपको दोनों पेंटिंग में से कौन सी ज्यादा पसंद आई, कैट वाली या ज़ीब्रा वाली, मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। या वो भी है। एंड मुझे ये चैलेंज करने में काफी ज्यादा मजा आया, सो मैं इसका पार्ट टू बनाने का सोचूं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू बनाऊं? ओके, तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट टू बनाऊंगी। एंड अगर कभी भी आपके पास वाइट पेपर ना हो, देन इस पेंटिंग को आप क्योंकि आपको इसमें ब्लैक पेपर चाहिए। एंड अगर आपके पास ब्लैक पेपर ना हो, देन वाइट पेपर लो और उसे ब्लैक पेंट कर दो, सिंपल। तू वैसे भी पागल है। एनीवेज, अगर आपके पास कोई भी वीडियो सजेशन हो या चैलेंज हो, देन प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी ही बना लूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जिसके भी साथ आप चाहते हो उसके साथ शेयर कर दो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।